हे एवरीवन वेलकम टू दॉल्यूशनिस्ट एंड इनिशियटिव बाई अन अडमी सो वी आर हियर टू हेल्प यू टू ए योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन दैट विल बी मेनली रिलेटेड टू सी एस आई आर यू जी सी नेट दैट इज मेनली लाइफ साइंसेज हाय आई एम ज्योति कुमारी और मैं सी एस आई आर नेट कैटेगरी से अनकडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाती हूँ मैंने खुद भी यह एग्जामिनेशन दैट इज इन जून क्लियर किया है ओके सो so, आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका 2017 जून का पेपर है मेनली हमने लिया है पार्ट सी फाइन तो हमारा कोशिश ये होगा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सी एस आर में चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो एप्लीकेशन बेस्ड हो उन सब के बारे में हम बात करेंगे एज वेल एज ये देखेंगे कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए या फिर उस क्वेश्चन का रिस्क देखते हुए आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन सब के बारे में आज हम डील करेंगे सो लेट्स प्रोसीड सो वी आर स्टार्टिंग विदार्ट ए और पार्ट ए में मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया है सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे के रखा है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको ये बताना है की ग्राफ में जो भी चीजें बोली गई हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही होगा सो so, uh, अगर हम एनालिसिस करें तो पहला ऑप्शन में वो रखा है दैट इज ऑफ स्कॉलर्स पब्लिश मोर देन फोर पेपर्स तो जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो उसको साथ साथ में क्रॉस चेक करते जाइए आपके ओवरऑल ग्राफ से तो अब अगर आप देखें तो मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स पब्लिश मोर देन फोर पेपर्स लाइक मेजोरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली मोर देन फोर पेपर्स तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज इट्स लाइक आप अप्रॉक्स बोल सकते हो कि मेजोरिटी जो है वो एग्जैक्टली exactly जो है मोर देन फोर पेपर्स उन्होंने पब्लिश नहीं किया है तो वी कैन इजिली एबल टू एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड देखें हम तो उसमें बोल रखा है दैट इज ऑफ स्कॉलर पब्लिश टू पेपर तो अगर हम ग्राफ से मैच करके देखते हैं पे तो सिक्सटी परसेंट की अगर बात करें हम तो सिक्सटीट का ओवरऑल आपके पास आता है दैट इज फोर तो इन्होंने बोला है और बोला है तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो क्या हो जाता है दैट इज ट्रू हो जाता है क्योंकि एटलीस्ट दो पेपर तो सबने पब्लिश किया है और मैक्सिमम जो है उन्होंने फोर पेपर पब्लिश किया है थर्ड स्टेटमेंट मेंशन है यहाँ पे दैट इज एटी परसेंट ऑफ स्कॉलर पब्लिश एटलीस्ट सिक्स पेपर अगर हम एटी की बात करें तो एटलीस्ट तो नहीं है लाइक like, अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि सिक्स पेपर है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है फोर्थ की बात करें तो मैं थर्टी परसेंट ऑफ स्कॉलर हैव नॉट पब्लिश एनी पेपर अगर थर्टी परसेंट की बात करें तो इट विल लाइक बिटवीन दिस तो एटलीस्ट उनका लगभग आप बोल सकते हो मोर देन वन पेपर है लाइक like, uh, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक भी पेपर को पब्लिश नहीं किया है ओके सो ऑब्वियसली द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी सेकेंड वन ओके So let's proceed to the next question. Fine. Second question is: A tell only lies on Monday, Tuesday, and Wednesday, and speak only the truth for the rest of the week. B tells only lie on Thursday, Friday and Saturday, and speak uh, speaks truth only for the rest of the week. If today uh, today both of them states that they have lied yesterday, what day it today? Okay. So to here mention mentioned that if you like. जो भी ए और बी के बारे में बोल रखा है तो यहाँ पे इन्होंने सारा एस्टिमेशन किया है कि कौन सा लाइक स्टूडेंट है या फिर कौन सा इंडिविजुअल दैट इज ए है या बी है वो कौन से दिन में लाइव बोलता है यानी झूठ बोलता है और कौन से दिन में वो सच बोलते हैं तो आपको ओवरऑल यहाँ पे एस्टिमेशन करना पड़ेगा और जब पूरा का पूरा आप एस्टिमेशन करते हो तो आपको मालूम हुआ कि ओवरऑल एस्टिमेशन से आप ये मालूम कर लोगे कि ओवरऑल जो Uh, एक दिन होगा जिस दिन की दोनों के दोनों क्या बोल रहे होंगे दैट इज सच बोल रहे होंगे या फिर जिस दिन उनको बोला गया है कि हाँ आज बताइए कि वो कल क्या बोल रहे थे सो इट विल बी ओर थर्सडे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अफेयर डाई वॉज थ्रोन थ्री टाइम्स एंड द आउटकम वॉज रिपीटेडली सिक्स इफ द डाई इज थ्रोन अगेन वॉट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स तो देखिए डाई के नॉर्मली अगर हम देखें तो सिक्स फेसेस होते हैं और वापस से अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम भी सिक्स ही मिलेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी

और वॉल्यूम जो है हमें यहाँ से पता है तो हमें यहाँ से मास निकालना है तो आपको करना क्या होगा दैट इज मास इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जब आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो आपका डेंसिटी है टू और वॉल्यूम कितना है दैट इज फोर्टी अपॉन हंड्रेड वी होगा ओके तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका आएगा लगभग कितना दैट इज जीरो फोर्टी यहाँ से यहाँ हो जाएगा उसके बाद फिर आपका ये आ जाएगा दैट इज जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एट आ जाएगा ओके जीरो पॉइंट एट वी आएगा तो ये है आपका v लेकिन हमें क्या निकालना है हमें ओवरऑल बल्क डेंसिटी निकालनी है तो हमारा जो मास निकला है वो आप बोल सकते हैं जीरो पॉइंट एट वी निकला है क्योंकि हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया था वो जीरो वी में दिया गया था तो हम क्या करेंगे नॉर्मली उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम वी ही रखेंगे इसके बाद जब हमें एक बल्क डेंसिटी निकालना है तो हमें क्या करना है अगेन इसी फॉर्मुले को दोबारा से आप अप्लाई कीजिए दैट इज रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम तो यहां पे हमारे पास एक न्यू मास ऑलरेडी आ चुका है और हमारे पास डेंसिटी नहीं है और वॉल्यूम है ओके okay? तो वॉल्यूम वॉल्यूम सॉरी भी पे क्या होगा v ही होगा ही तो अगर आप नॉर्मली फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पेगा जीरो पॉइंट एट वी है और आपका डिनोमिनेटर में भी वी आएगा वी से वी कट जाएगा और रो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीरो तो पॉइंट एट इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ बोर्ड हैज अ बोर्ड हैज एट रो एंड एट कॉलम ओके ए मूव इन डिफाइंड ए मूव सॉरी ए मूव इज डिफाइंड एज टू स्टेप्स अलॉन्ग दी कॉलम मतलब दो स्टेप जो है कॉलम की तरफ मूव किया जा रहा है फॉलोड बाई अ वन स्टेप ऑफ रो सो वन स्टेप जो है वो रो को फॉलो किया जा रहा है और वाइस वर्सा यानी वापस से उल्टा भी किया जा रहा है दैट इज टू स्टेप रो में एंड वन स्टेप कॉलम में किया जा रहा है तो इस वे में अगर हम देखें उसके बाद बोला वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव नीडेड टू गो फ्रॉम वन कॉर्नर टू टू दी डायग्नली अपोजिट तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो आपका कॉलम और रो बनेगा वो किस वे में बनेगा तो अगर हम नॉर्मली इसको बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस टाइप से होगा ये आपका हो गया कॉलम उसके बाद हमें रो बनाना है ओके, okay. so, अगर हम इसको मूव करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना करना हमें एक साथ जो है, इनको करना है। इनको मूव तो अगर हम टू कॉलम और वन रो एक साथ चले उसके बाद फिर यहां से एक रो में जाओगे फिर अगेन आपको ये पाथ फॉलो करना है यहाँ पे एक स्टेप लिया था फिर आप यहाँ से टू कॉलम आगे बढ़े हो फिर एक रो में गए हो यानी दूसरा स्टेप यहां पे खत्म हो गया अगेन क्या करोगे आप टू कॉलम और वन रो लोगे टू कॉलम लोगे तो यानी वापस से ऊपर जाओगे और एक रो लोगे तो अगेन यहाँ पे आपका स्टेप हो गया अगेन क्या करना है सी वर्सा करना है दैट इज टू रो लोगे आप और एक कॉलम लोगे अगेन यहाँ पे एक स्टेप हो गया इसके बाद अगेन क्या करना है आपको टू कॉलम लेना है और एक रो लेना है तो टू कॉलम लिया आपने यहाँ पे और एक रो लिया और यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप खत्म हो गया इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगे तो आप यहाँ पे एक स्टेप लोगे और यहाँ पे आपका जो ओवरऑल जर्नी है वो खत्म होगा तो बोला यही गया था कि कितने आप बोल सकते हो कि स्टेप जो है आपको चाहिए होंगे डायग्नली पहुंचने के लिए तो कितने स्टेप हो गए दैट इज वन हो गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल जो है वो सिक्स स्टेप्स हो गए तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका दैट इज टू ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें कि बोला गया है जॉब इंटरव्यू इज टेकिंग प्लेस विथ ट्वेंटी वन मेल्स एंड सेवेंटीन फीमेल कैंडिडेट्स सो कैंडिडेट्स आर कॉल्ड रैंडमली उन्हें रैंडमली बुलाया जाता है जिसमें ट्वेंटी वन मेल्स एंड सेवेंटीन फीमेल्स हैं वट इज द मिनिम नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल टू इंश्योर दैट एटलीस्ट टू मेल्स और टू फीमेल्स बीन इंटरव्यूड तो ये सिंपल है अगर ये इंश्योर करना है कि एक बार में अगर कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है तो या तो मिनिमम जो है वो टू मेल्स होने चाहिए या टू फीमेल्स होने चाहिए तो दैट इज वेरी सिंपल अगर थ्री कैंडिडेट्स को एट अ टाइम बुलाते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो दो फीमेल और एक मेल होगा या फिर दो मेल एंड वन फीमेल होगा ओके सो द आंसर विल बी थ्री फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन वॉट इज वन आउट बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको इसमें से ऑड जो होगा उसे like, uh, उसका करना है तो देखिए सबसे मेन चीज ये होती है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास आप देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो आपके लिए मोस्ट फैमिलियर है फॉर मी इट्स थ्री सिक्स थ्री क्योंकि मुझे, मुझे मालूम है की थ्री सिक्स थ्री को अगर मैं इलेवंथड करती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मुझे थर्टी थ्री मिलेगा नॉट अप्रोक्सीमेटलीटली मुझे थर्टी uh, थ्री मिलेगा तो यहाँ पे मुझे एक हिंट मिला कि शायद ये नंबर को मैं इलेवंथ से डिवाइड करके देखू तो मेरे पास कुछ ऐसे वैल्यूज आ सकते हैं जो कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मैंने 11 से इन सबको डिवाइड करके देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि जो 474 है वो लगभग और जो डिविजिबिलिटी है 11 से वो शो नहीं करता ओके okay? तो यहाँ पे और बाकी सबके साथ देखो दैट इज फर्स्ट सेकेंड और ये जो रेस्ट ऑफ द जो नंबर है वो सारे के सारे इलेवेंथ से डिवाइड हो जाते हैं इजिली तो इस वे में मैं अगर ऑड वन आउट करूं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा सो यह आंसर विल बी फर्स्ट ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा है कि अगर आपने मतलब डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो बोला है ओरिजिन एंड मूव अलोंग दी वाई एक्सिस तो हम यहाँ पर एक एक्सिस अगर बनाना चाहें तो ये बना लिया हमने ये हो गया वाई एक्सिस ये हो गया आपका एक्स एक्सिस बोला है एंड जो है वो वाई एक्सिस में चल के लगभग एल डिस्टेंस को कवर कर रही है ओके सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन इट्स जर्नी

वो क्या मिलेंगे तो अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो एक स्टेप यहां से ले सकते हैं जो हो L, L हो कि होगा एल सॉरी एल बाई बिकॉज हम एल पहले ही ले चुके हैं तो ये हो गया फर्स्ट ये हो गया सेकेंड इसके बाद एक और स्टेप नीचे की तरफ आएगा क्योंकि हमें राइट में मूव करना है ये हो जाएगा आपका एल बाई फोर इसके बाद आपको फिर से राइट में मूव करना है जो कि हो जाएगा एल बाई एट और यहाँ कुछ हो जाएगा आपका दैट इज एल बाई सिक्सटीन तो में अगर हम देखें तो टोटल पांच जो है मूवमेंट हो चुके हैं दैट इज टू थ्री फोर एंड फाइव अब हमें क्या बताना है अगर हम यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ करें या कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे पॉइंट हमें मिलेगा एक्स और वाई और आपको एक्स और वाई का ही कोऑर्डिनेट बताना है कि कितना होगा ओके तो अगर हम वाई यहाँ पे निकालना चाहें तो वाई कैसे निकाल सकते हैं वाई हमें पता है वाई का डिस्टेंस क्या है दैट इज एल है और यहाँ पे लगभग हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें क्या करना होगा एल माइनस इसको माइनस करना पड़ेगा दैट इज एल बाई फोर माइनस सॉरी प्लस एल बाई सिक्सटीन क्योंकि यहाँ पे एडिशनल पार्ट है ओके okay? जब इन जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा दैट इज सिक्सटीन बाई दाइनस फोर 16, ओके uh, uh, okay? जब इनका आप ओवरऑल सॉरी इट शुड बी फोर एल एंड सिक्सटीन एल जब आप इनका ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास आएगा कुछ थर्टीन एल बाई 16. तो वाई जो हमारे पास आया हुआ है हमका, हमारा कितना दैट इज दर्टीन एल बाई स अब अगर हम दोबारा से x देखें x कितना होगा x में अगेन आपको वही करना है जो हम इनिशियल केस में कर रहे थे आपको ओवरऑल डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा जो x एक्स, एक्स के थ्रू कवर किया गया है तो ये हमने l बाई टू कर लिया इसके बाद जो ओवरऑल माइनस करना होगा वो होगा दैट इज l बाई एट ओके जब इनको हम इनको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा फोर एल माइनस माइनस एल जो कि आ जाएगा आपका थ्री एल बाई एट और हमें नॉर्मली पता है कि हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं X, y. So, X, y तो अगर देखें तो थ्री एल बाई कॉमा थर्टीन एल ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन so, जो है आपका एकदम करेक्ट हो गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ ग्रुप ऑफ हैज वन ब्रदर हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर इन टोटल

जो y है उसका एवरेज वैल्यू जो है आपको बताना है तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चीजें आपको क्या बता रखी है that is, यहाँ पे बोल रखा है जब x आपका जीरो है x आपका जीरो है तो y कितना है आपके पास वन है जब x आपका वन है तो y आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे टू है इसके अलावा x जब माइनस वन है दैट इज दिस वन तो आपके पास y कितना है अगेन टू है तो अगर हम y का वैल्यू देखें तो नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं दैट इज वन टू थ्री नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो आपके पास थ्री हैं लेकिन टोटल इनका सम कितना है दैट इज वन प्लस टू प्लस टू विच इक्वल्स टू फाइव तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं जो सम होता है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर जो होता है उनका वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज फाइव बाई थ्री जो कि अप्रॉक्स आता है वन बाई सिक्स के इक्वल में वन पॉइंट सिक्स के इक्वल में जो कि इक्वल हो जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन के बराबर ओके सो टेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ दैट इज इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी ए सी विली डिग्री टू ए बी एंड डी एफ इज पारल टू ए सी द टोटल एरिया ऑफ दीजन इज एक्चुअल में देखे तो ये क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं आपके नाइन्थ और टेंथ क्लास से रिलेटेड है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की आपको क्या लगता है बिकॉज ऑब्वियसली आई नो द आंसर

सर्कल में हमें लार्जेस्ट स्क्वायर को फिट करना है तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसमें हम एक लार्जेस्ट स्क्वायर को फिट करते हैं इसके बाद क्या किया है इसमें एक और स्क्वायर को फिट एक और यहाँ पे सर्कल को फिट किया है फाइन अब अगर हम इनका डायगनल बनाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम इसके डायगनल को टू आर लेते हैं बिकॉज सर्कल क्या होता है सर्कल का हाफ जो होता है वो उसका रेडियस होता है लेकिन अगर हमने डायगनल बना दिया मतलब उसका डायामीटर हमने क्रिएट कर दिया और डायामीटर क्या होता है दैट इज टू टाइम्स ऑफ रेडियस

टू आर स्क्वायर एंड दी स्क्वायर ऑफ जो आपका दोनों के दोनों साइड है उसका स्क्वायर हो जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि ये भी है ए ये भी है ए लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है स्क्वायर में चेंज हो जाता है इसको हम टू आर ही रखते हैं टू आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर ओके अब हम दोनों का स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा टू आर और ये हो जाएगा आपका कितना दैट इज रूट टू ए अब हमको ये पता है कि यहां पे क्या है ए जो हमें वैल्यू निकालनी है वो है ए बाई टू अगर हम यहाँ पे ए बाई टू करते हैं तो ये जो आपका टू आर है ओके टू आर क्या हो जाएगा ये इसके नीचे चलाएगा आर विल इक्वल्स टू दू बाई टू ए और आपको क्या करना है सॉरी इट शुड बी लाइक टू आर यहाँ पे ही रहेगा और आप यहाँ पे इसको टू को यहाँ पे ला सकते हैं और इस वे में जो ए होगा इसका वैल्यू ये निकल जाएगा अब ए को हमको पता है कि ए बाई टू निकालना है तो ए बाई टू को आप क्या कर सकते हैं ए बाई टू कर सकते हैं एंड टू आर ये एज इट इज रहेगा और स्क्वायर रूट में जाएगा लेकिन एज बिकॉज हमने यहाँ भी हाफ लिया है तो हमें इसको बैलेंस करना होगा ये टू से टू आर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बाई टू क्या होगा स्मॉल सर्कल के लिए आर होगा ओके okay? तो इनमें से आर वन भी ले सकते हैं तो आर वन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना रहा दैट इज आर बाई रूट टू तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज दैट क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन हाउ मेनी वे कैन यू प्लेस अ एन ऑन अ बोर्ड एंड एन रो एंड एन कॉलम सच दैट एवरी रो एंड एवरी कॉलम कंटेन एग्जैक्टली वन क्वाइन तो ये क्वेश्चन जो आया है आपका डायरेक्टली आपका जो मैथ्स के फॉर्मुले होते हैं वहां से आए हैं और ऑब्वियसली अगर आपको मैथ्स का फॉर्मूला याद है तो आप इजिली पिक कर सकते हो दैट इज ऑप्शन विल बी सेकेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंड्रेड मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी मीटर वाइड ब्रिज इन ट्वेंटी सेकेंड्स वट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर तो नॉर्मली आपको बोल रखा है जो ट्रेन का लेंथ है वो कितना है ट्रेन का आपका लेंथ है दैट इज हंड्रेड मीटर और जो आपका स्टेशन है या फिर जो ब्रिज है उसका ओवरऑल लेंथ कितना है दैट इज टू हंड्रेड मीटर ओके सो आप नॉर्मली अगर डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें तो ऑबियसली जब हमको प्लस कर देंगे तो यह मिल जाएगा थ्री मीटर मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है ट्रेन के थ्रू वो है आपका थ्री मीटर और टाइम जो लिया जा रहा है वो है आपका ट्वेंटी सेकंडी सेकंड आप यहाँ पे आर्स में चेंज करते हो तो ये हो जाए आपका ट्वेंटी बाई थ्री सिक्स जीरो हंड्रेड डिड बाई टी डिवाइडेड बाई थ्री सिक्स डबल जीरो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इजिली जो आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा फिफ्टी फोर सो विल बी थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है माई बर्थ डे इज इन जनवरी वट वुड बी दफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन विध यस और नो आंसर दैट विल बी एनेबल तो नॉर्मली बोला है कि एक लाइक मेरा बर्थडे जो है वो जैन में आता है तो मुझसे कोई कितने सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा जिससे कि मैं आंसर जो दूंगी वो यस और नो में दूंगी और कितनी बार लाइक कितनी बार येस और नो में आंसर देने के बाद एक्यूरेटली कोई मेरा बर्थ जो है वो बर्थ डेट जो है वो फाइंड कर सकता है ओके सो फ्रॉम माई साइड इट शुड बी फाइव आप भी सॉल्व करके देखिए बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सॉल्व करने में भी मजा आता है well कुछ जानने को भी मिलता है तो मेक श्योर आप भी अपने आप से लाइक एक कंसिडरेशन लेके कि हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो मुझसे कोई कितने क्वेश्चन पूछेगा इजिली मैं उसको ये बता पाऊंगा कि हाँ मेरा बर्थ डेट जो है वो कब आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो सकते हैं आप अपना निकाल के देखिए कि आप कितना लाइक निकाल पा रहे हो बट फ्रॉम माई साइड इट शुड बी नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी फाइव ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द्वेशन नंबर एटीन क्वेश्चन है

तो इस वे में अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसमें आई थिंक जो बहुत ही बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन है वो लगता है तो इस क्वेश्चन को जब नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा दैट इज बी एंड सी वेयर आउट अबाउट इक्वली ओके सो द थर्ड आंसर विल बी करेक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ये आंसर होना चाहिए या फिर कुछ और आंसर होना चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट सो आपको यहां पर और ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा ही बेसिक क्वेश्चन है पहला है आइसो ट्रायंगल सेकेंड है स्क्वायर थर्ड है रेगुलर हेक्सागॉन एंड फोर्थ है रेक्टेंगल तो नॉर्मली आप देखोगे तो आपका यहाँ पे ऑड वन आउट कौन है दैट इज ट्रायंगल ओके बाकी सारे के सारे एक जैसी लाइक like, प्रॉपर्टी शो करते हैं कि आप उनमें sides, जो साइड्स uh, जो होती हैं काफी ज्यादा इक्वल होती हैं सो नाइनटीन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ओके लास्ट क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग वर्ड दैट इज दी लिखा हुआ है उसके बाद आपको ब्लैंक दे रखा है उसके बाद आपको ये सीक्वेंस दे रखा है आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या आ सकता so, तो है मोस्ट प्रॉब्लम तो नॉर्मली हम देखें तो यहाँ पे ए है यहाँ पे ए बी है और यहां पे ए बी बी ए है तो so, अगर हम नॉर्मली नॉर्मल normal अपना कॉमन सेंस भी यूज करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि यहां पे भी क्या आएगा दैट इज ए डबल बी ए सो द आंसर विल बी थर्ड तो इस वे में हमने पार्ट ए के क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं लेट्स मूव टू पार्ट बी ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पार्ट बी क्वेश्चन है मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी दैट इज द एमएलडी स्ड बाई अर डेफिशियंसी ऑफ एराइल सल्फेट ए एंड अफेक्ट दी एन एस सो एम एल डी इज तो आपको बताना है ये जो ओवरऑल डिस्ट्रॉफी है दैट इज एम एल डी वो किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है तो अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर इन केस आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे अदरवाइज आपको लाइक like, आंसर देने में मुश्किल होगा तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं और आपको पता नहीं है तो मेक श्योर sure, या तो आप स्किप कर दें इन टाइप के क्वेश्चन को या फिर अगर, अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो अगर मैं कहूँ तो जो एमएलडी होता है वो एक लाइसोजोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है जिसके कारण अगर ये प्रॉपर वे में काम नहीं करता है तो ये जो डिजीज कंडीशन है उसमें आपको लाइक ओवरऑल इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट इज ट्वेंटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बताया गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं होगा मेक श्योर sure जब नॉट बोला जाता है तो आप उसी अंडरलाइन कर लीजिए ताकि गलती जो होने के प्रॉबिलिटी होता है वो कम हो जाए सो so, uh, दिन वो यहाँ पे दट इज फर्स्ट ऑप्शन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड अकर इन माइक्रोकॉन्ट्री ऑब्वियसली लाइक ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट था और हम इजिली इसको कह सकते हैं कि हाँ स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटी एसिड बायोसिथिस इन पेरी ऑक्सीजो नो

रिपीटर ऑफ दी प्रोटीन यूजिंग अ सिग्नलिय सिग्नल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की बात करें या फिर शॉर्टिंग की बात करें ऑफ़ अ ऑक्सीजन तो इस वे में जो गलत स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के लिए वो होगा सेकेंड ओकेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी थ्री दी एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन ए टीसी साइकिल आर ऑप्शन यहाँ पे आपको देके रखा है और नॉर्मली अगर आपको टीसीए साइकिल के बारे में पता है इजीली तो आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एंड दैट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट कि हाँ एक जो वन मॉलिक्यूल जो है वो जीटीपी होता है थ्री मॉलिक्यूल आपका एनएडीएच होता है एंड वन मॉलिक्यूल आपका एफ होता है सो द आंसर विल बी थ्री ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन आपने कंसेप्ट गेन किया है तो आप आंसर कर पाओगे अदरवाइज आंसर नहीं कर पाओगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बाय विच वन ऑफ पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा टेक्निक इसमें यूज होने वाला है ऑप्शन आर रिकॉर्डिंग सी डी दट इज सर्कुलर डाइकोरिजम स्पेक्ट्रम एट अ वेरियस टेम्परेचर सेकंड है मॉनिटरिंग दबजॉर्वेंस एट टू फोर्टी नाइनोमीटर एट वेरियस टेम्परेचर थर्ड है एस्टिमेटिंग कंटेंट ड्यूरिंग द हीट डीनेचुरेशन

तो नॉर्मली बोला है कि जब भी प्रोटीन सॉल्यूशन की बात आती है तो उसमें ग्लिसरॉल जो है एड किया जाता है तो वो एक्चुअल क्या करता है इंक्रीज so, like, नहीं करता है सेकेंड है स्टेबिलाई दी एच यहाँ पी का कोई कंसेप्ट भी नहीं आता है थर्ड है प्रिफ्रेंशियल हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑब्वियसली ये आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द प्रिफ्रेंशियल हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन बिकॉज ये आपका जो ओवरऑल प्रोटीन का हाइड्रेशन होता है उसे मेंटेन करके रखता है ताकि प्रोटीन जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है लॉस ना करें फोर्थ है इंट्रैक्टिंग दी न्यूट्राइजिंग सॉरी इंट्रैक्टिंग एंड न्यूटलाइजिंग द सर्फेस चार्जेस ऑन दी प्रोटीन सो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ट्वेंटी स्टेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज यहां पर आपको एक क्वेश्चन देकर रखा है दैट इज फोल्डेड विल बी रिवर्सिबल लाइक ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो होगा फोल्डेड और अनफोल्डेड का ओवरऑल जो रिएक्शन है वो रिवर्सेबल है जब के इक्विलीबियम मेंटेन है सो पायर टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिव कैलोरीमीटर थर्मोडानेमिक्स पैरामीटर्स ऑफ प्रोसेस वेर डिटरमाइन बाई फॉलोइंग इक्वेशन तो ये इक्वेशन नॉर्मली आई थिंक इक्वेशन से सभी लोग फैमिलियर होंगे बिकॉज ये बहुत ही बेसिक इक्वेश इन एंथेल्पी एंड एनोट्रोपी रेस्पेक्टिवली तो डेल्टा एच जो है वो क्या है आपका एंथेल्पी चेंज है और डेल्टा डेल्टा एस नॉट जो है वो आपका एनट्रोपी है सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द डेल्टा जी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस तो अगर हम ओवरऑल लाइक like इस इक्वेशन को देखें और अगर हमारे पास नॉर्मली जो हमारा नॉलेज जो है रिगार्डिंग द डेल्टा जी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस अगर क्लियर है तो अगर ऑप्शन देखें हम ईजिली जो है उसका आंसर पता लगा सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ फोल्डेड एंड अनफोल्डेड फोल्डेड प्रोटीन एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो ये गलत स्टेटमेंट है सेकेंड है प्लॉटिंग के इक्विलिब्रियम एज अ फंक्शन ऑफ अ डेल्टा एच नो थर्ड है प्लॉटिंग के इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द डेल्टा एस तो इस टाइप का प्लॉटिंग नहीं होती है तो थॉट भी गलत, गलत हो गया फिर बोला है प्लॉटिंग दी इक्विलिब्रियम अगेंस्ट टेम्परेचर। तो ये जो है ओवरऑल आपको एग्जैक्टली exactly वही रिजल्ट देगा जो इस क्वेश्चन की डिमांड है सो so, इसका आंसर क्या होगा दैट इज योर फोर्थ फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज

तो ऑप्शन में पहला बोला है दैट इज जनरेशन ऑफ अ माइटोकॉलियर रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड ब्लॉक इन एटीपी जनरेशन ऑब्वियसली जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ये क्या करता है इट यूज्ड टू इनहिबिट दी बिकॉज ये इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है ओके okay? तो ये क्या करता है दैट इज जनरेशन ऑफ अ माइटोकॉलियर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड ब्लॉक इन दी एटीपी जनरेशन नेक्स्ट है ब्लॉक इन एटीपी जनरेशन बट नो जनरेशन ऑफ अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज तो ये गलत है बिकॉज वो जनरेट करता है को ओके okay? थर्ड है दैट इज द जनरेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बट नो ब्लॉक इन एटीपी जनरेशन नहीं दोनों के दोनों साथ में होते हैं किसी भी एक का एब्सेंस नहीं होता है फोर्थ है दैट इज द द ऑफ इनर मेम्ब्रेन टू टू कंपाउंड्स व्हिच आर यूजुअली नॉट एबल टू ट्रांसवर्स द मेम्ब्रेन तो इस स्टेटमेंट का यहां पे कोई मतलब नहीं बनता ओके सो इजीली हम बोल सकते हैं कि 27 का आंसर क्या होगा दैट इज फर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली तो ये लाइक इस, like, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज मोरलेस ये आपको सभी टाइप का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे देते हैं तो पहला ऑप्शन है दैट इज दि ग्कोकैलस एडहेरेंस में हेल्प करता है ऑब्वियसली लाइक like, ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो आई थिंक हम अपने बैचलर से पढ़ते हैं कि ग्लाइको का ओवरऑल फंक्शनिंग क्या होता है तो ऑब्वियसली एक एडहेरेंस में हेल्प करता है Fimbria जो है वो मॉटिलिटी में बोला है बट मॉटिलिटी में वो हेल्प नहीं करता है थर्ड है जिसे हम सेक्स प्लस पी कहते हैं वो किसमें काम करता है वो आपका कॉन्जुकेशन में काम करता है जब भी बैक्टीरियल सिस्टम है कॉन्जुकेशन का ओवरऑल मैकेनिज्म देखा जाता है तो फोर्थ है peptidog, जो कि हम सबको पता है कि एक सेल वॉल का कंपोनेंट है तो इजीली हम कह सकते हैं जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है जो कि मैच कर रखा है वो है सेकंड स्टेटमेंट दैट इज द ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका नंबर द्वेशन हैजर विच द कैल्शियम आयन चैनल इन ईआर दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ तो लाइक इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके सी एस में और कोई नहीं हो सकता इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही स्कोरिंग होते हैं एंड है एंडमिक्स लाइक इस टाइप के जो क्वेश्चन छोड़ के ना आओ सो द ऑप्शन आर दैट इज दाइसाइल ग्लेट्रॉल जिसे हम डैक कहते हैं सी एम पी दैट इज दाइक्लिक ए एम थर्ड है फॉस्फर्ट आइडल इनोसिटोल बाई फॉस्फिट फोर्थ है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और हम सबको पता है कि आईपी जो होता है वो क्या करता है आपका वो कैल्शियम को रिलीज करने में हेल्प करता है फ्रॉम एंडोप्लाजमिक रेडिकुलम सो द आंसर विल बी फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर थर्टीन सो द क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स कुछ प्रोटीन के यहाँ लिस्ट दिए गए हैं दैट इज ए इज बी टू बी बीसीएल सी एक्सएल देन ए वन उसके बाद है बैक्स आपको क्या बताना है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज विच ऑफ द प्रोटीन और प्रोटीन इज और आर नॉट एंटी अपोप्टोटिक यहां से कौन एंटी अपोप्टोटिक नहीं है हम सबको पता है कि BCL2, बीसीएलसी BCL और A1 जो है वो क्या है वो एंटी अपॉप्टोटिक है और जो बैक्स होता है वो आपका प्रो अपॉप्टोटिक होता है जो कि apoptosis को प्रमोट करता है ओके okay? सो so हम कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा क्योंकि आप पूछा कौन सा नहीं है क्योंकि बैक्स जो है वो प्रो अपॉप्टोटिक है तो इजिली जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्टी वन विच आर द फॉलोइंग सेल्स जनरली डज नॉट सीक्रेट इंटरफेयर ऑन गामा सेल्स सेकेंड है टी एच वन सेल्स थर्ड है एनके सेल्स एंड फोर्थ है टी एच टू सेल्स नॉर्मली अगर हम आप देखें कि जो आपका टी सेल्स का ओवर जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो टी एच वन और टी एच टू में होता है उनके भी कुछ कुछ आप बोल सकते हो कि पार्ट्स ऐसे हैं जो कि किसी और सेल्स को इनिबिट कर सकते हैं एज वेल एज इंड्यूस कर सकते हैं उसी में से टी एच टू की बात करें जो आपका टी एच टू सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं वो इंटरफेर गामा को सिक्रीट नहीं करते हैं ओके सो द आंसर विल बी फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर दी इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इज एज तो आपको पता है कि जो आपके गैस्ट्रुलेशन होता है उसके टोटल फाइव अलग अलग टाइप के आप वेरिएशन देख सकते हैं जिसमें से चार के बारे में यहाँ पे बोल रखा है और स्टेटमेंट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ओके okay? पहला ऑप्शन है इनवाजिनेशन इनवाजिनेशन नहीं होगा बिकॉज इनवाजिनेशन में जो आउटर कॉर्नर होते हैं वो इनवाजिनेट होने लगते हैं नेक्स्ट है इनग्रेशन जिसमें कि आप बोल सकते हो सेल्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है तो ये एक नहीं हो सकता इसके बाद थर्ड है इन्वॉल्यूशन तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो आपका मैच हो रहा है किससे इन्वॉल्यूशन से हो रहा है और डिलेमाइनेशन में तो जो लेयर्स होती हैं सेल की वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगती है लाइक लेयरिंग टाइप का एक uh, जो है वो क्रिएट करने लगती है तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा बिकॉज ये जो डेफिनेशन है वो थॉट के बारे में ही बोल रखा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेवलपमेंटल बायोलॉजी से ही लिया गया है बोला गया है एबिलिटी ऑफ अ सेल टू अचीव दे रिस्पेक्टिव फेट बाय विद द अदर सेल इज नोन एज तो नॉर्मली अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बोला है और इंडक्शन और कॉम्पिटेंस के बारे में बोला है नॉर्मली इंडक्शन और कॉम्पिटेंस जो यहाँ पे ओवरऑल लाइक डेफिनेशन इन्होंने बोला है या फिर मेंशन जो किया है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज उसका प्रोसेस यहाँ कहीं भी मैंशन नहीं है अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की तो जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है उन्हें किसी भी सेल के इंट्रेक्शन की जरूरत नहीं होती है लेकिन कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन होता है वो अपने आस पास के कंडीशन पर डिपेंड होके अपने आप को स्पेसिफाई करता है और अगर क्वेश्चन की डिमांड देखें तो यही बोला गया है the ability of a cell to achieve their respective fate by interacting with the other cell will be known as a conditional specification so 33 ka jo answer hoga, wo hoga 2 okay next question again aapka dev hai. question is the dorsal most vegetal cell of the amphibian embryo that is capable of inducing the organizer is called as a nucleup center and is marked by the presence of तो ये किसके प्रेजेंस से मार्क होता है दैट इज द बीटा कटनिंग ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आपको आता है आपने पढ़ा है दैट इज एम्फीबियन का डेवलपमेंट बायोलॉजी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन छोड़ना होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम जो डेब के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं अगर आपने पढ़ा है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गलती से भी उन क्वेश्चन को आप लाइक like, अटेंड करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज kind of में किस टाइप के क्लीवेज होते हैं सो ऑप्शन आर होलोब्लास्टिक रोटेशनल सेकेंड है मेरोब्लास्टिक रोटेशनल थर्ड है होलोब्लास्टिक रेडियल एंड मेरोब्लास्टिक रेडियल तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट बिकॉज ह्यूमंस, मैमल्स में मेनली क्या होता है होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लिवेज जो है वो देखा जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉलिक्यर बायोलॉजी से इन यूर प्रिकर्सर ऑफ माइक्रो आर एज तो आपके जो तीन टाइप के आर एन एज है वो अलग अलग चीजों को लाइक सिंथेसिस करते हैं और उनकी कुछ लिस्ट होती है अगेन ये भी आपका आप बोल सकते हो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपने अलग अपने चीजों को अगर याद रख रखा है तो इजिली आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो दैट इज योर आर एन ए पॉल टू जो है ये माइक्रो आर एन एज वेल एज एस आई आर एन ए को सिंथेसिस करता है आंसर विल बी फोर्थ ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको अगर अच्छे से प्रोसेस याद नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे आंसर बिकॉज पार्ट बी का नेचर आप इजिली जानते हो सारे के सारे मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स आते हैं कोई भी लाइक like, समझ के आंसर देने वाली चीजें नहीं आती है आपको याद है तो आप आंसर कर सकते हो अदरवाइज आंसर देने में आपको प्रॉब्लम होगी सो द क्वेश्चन इज थर्टी सेवन दैट इज यही स्कॉट करता है आपकी अमाइनोअल टी आर एन एके थ्री ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट यूज डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट इन यू कैडोर्ट बिकॉज तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रखा है कि साइंटिस्ट जो होते हैं उनको लाइक like, ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन साइट है उसे लाइक like, आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं ऐसा क्यों होता है सो द ऑप्शन आर इमीडिएटली फॉलोइंग टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड द थ्री डैश एंड इज पॉलीनाटेड तो ये स्टेटमेंट जो एकदम गलत है बिकॉज ऐसा कुछ नहीं कुछ भी नहीं होता है सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज द थ्री प्राइम एंड इज जनरेटेड बाई क्लीवेज टू दी एक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ द्रांसक्रिप्शन ऑब्वियली तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें जितनी भी चीजें आपको बोल रखी है वो एक्चुअल में क्या करती है साइंटिस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन साइट है में, वो लाइक like इजिल जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं थर्ड ऑप्शन दट इज द पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट एट थ्री एंड थ्री डैश एंड एंड ट्रांसक्रिप्ट हाइट दी टर्मिनेशन साइट तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है फोर्थ ए थ्री डैश एंड ऑफ द्रिप्ट इज कॉम्प्लेक्सड विद इज तो so, बाई okay, uh, तो अगर आपने like पढ़ा है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नॉर्मली जो फैक्टर्स होते हैं या एंजाइम्स के नाम होते हैं उनपे क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको अगर याद है तो आप आंसर कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली हमको जैसे कि पता है कि जो आपका रेप्लीकेशन होता है रेप्लीकेशन में जो प्राइमिंग ऑफ डीएनए का होता है दैट इज डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो आपका होता है डीएनए पॉल अल्फा के थ्रू और जो डी लाइक आरएनए प्राइमर का जो आप बोल सकते हो रिमूवल होता है वो होता है आपका एफ ई एन वन के थ्रू ओके सो द आंसर विल बी टू थर्टी नाइन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज इनमें से जो भी लिस्ट आउट किया गया है उसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है और यहां से लाइक पिक करना बहुत ही ज्यादा आसान है पहला है दैट इज द ट्यूबोकलोसिस सेकेंड है टाइफॉइड थर्ड है टिटेनस एंड फोर्थ है स्मॉल पॉक्स और हम सबको पता है कि स्मॉल पॉक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज वायरस नॉट द बैक्टीरिया और यहां पे यही पूछा है कि विच इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज सो लाइक करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ओके क्वेश्चन इज फिल्ट्रेशन स्लिट आर फॉर्म बाय अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको पता है तो आप कर पाओगे ऑप्शन आर पोडोसाइट एंडोथिलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी थर्ड है मैसेजियल सेल्स फोर्थ है लेशिस सेल सो द आंसर विल बी फर्स्ट दैट इज द दोडोसाइड ओके फोर्टी टू क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट एब्सॉर्व इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बाई सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स कौन से जो विटामिन वो सोडियम को ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्सॉर्व नहीं होते हैं राइबोफ्लेविन so, ये क्या करते हैं ये एब्सॉर्व हो जाते हैं जो एब्सॉर्व नहीं होता है वो होता है आपका फॉलिक एसिड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग ऑफ द प्री प्रो ग्लूकागन सो द ऑप्शन आर ग्लाइसेंटिन सेकेंड है बीटा लाइपोट्रोपिन फोर्थ है मेजर प्रो ग्लुकागन फेगमेंट और फोर्थ है ऑक्सिंटोमोलुडिन सो द ऑप्शन जो कि यहां पे नहीं होगा यहां पे आपसे पूछा है नॉट इट विल बी अ बीटा लाइपोट्रोपिन ओके अगेन एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम ऑफ आवर ब्लड और ये आई थिंक हम क्लास ट्वेल्थ से पढ़ रहे हैं कि कौन काम करता है दैट इज आपका बाइकार्बोनेट आयन जो है आपके ओवरऑल जो बफरिंग सिस्टम होता है उसमें काम करता है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज

तो फोर्टी फोर्टी फाइव का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आई थिंक सबको पता है कि प्लांट्स में जब डिफेंसिव मैकेनिज्म देखा जाता है तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में आपका जो प्लांट uh, की जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सो so, पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है दैट इज

ओके, okay. so, जो मेरी तरफ से करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा बीसी डी अगर हम यहां पे ऑप्शन देखें तो बीसीडी वाला जो ऑप्शन है वो है सेकेंड सो द सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट ओके okay, uh, उसके बाद फोर्टी सेवन क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऐसा है अगेन अगर आपने फाइटो लाइक फाइटो हार्मोन के बारे में पढ़ा है उनके बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता है उसका एक इंटरमीडिएट्स के बारे में पूछा गया है सो फॉर विच वन ऑफ द सॉरी सो फॉर विच वन ऑफ द प्लांट हॉर्मोन बायोसिंथेसिस पाथवे वन अमाइनोसाइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड दे रखा है वो एक पर्टिकुलर बायोसिंथेसिस पाथवे का इंटरमीडिएट है आपको ये बताना है कि यहाँ जो चार फाइटो हार्मोन है इनमें से किसका इंटरमीडिएट है तो ऑब्वियसली अगर आपने ओवरऑल चीजों को पढ़ा है तो आप इजली बता पाओगे कि ये किसका है दैट इज ये इथाइलिन का है इथाइलिन के बायोसिंथेसिस पाथवे में आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जो कि यहाँ पे मैंशन कर रखा है सो द आंसर विल बी थर्ड

Root, like root plant, 75 medium. Medium के जो तो नॉर्मली पूछना चाह रहे हैं कि कि किस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने इतना सारा आप बोल सकते हो कि के प्लस आयन को गेन किया है और वही चीज आपको यहाँ पे देखनी है पहला ऑप्शन है बिकॉज द प्लांट वॉज ग्रोन ग्रोन कंटिन्यूसली इन डार्क ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है okay?

डिज मतलब एक चाइल्ड उनका डिजीज है तो उसका जो अफेक्टेड का होने का प्रोसीजर था वो कितना हो गया वन बाई फोर हो गया ओके इसके बाद बोला द वुमेन इज प्रेगनेंट फॉर दिसकंड टाइम एंड वट इज द प्रोबिलिटी सॉरी सेकेंड चाइल्ड विल ऑल्सो हैव द डिजीज तो ये बताना है आपको कि जब सेकेंड टाइम कपल जो कपल है उन्होंने अगर चाइल्ड uh, एक्सपेक्ट किया है तो सेकंड टाइम में क्या प्रॉबिलिटी है कि उस वो जो चाइल्ड जिसका बर्थ होगा उसको डिजीज हो सकती है तो अगेन ये क्या होगा दैट इज वन बाय फोर ही होगा क्योंकि डिजीज की प्रॉबिलिटी हो या फिर लाइक like, अफेक्टेड का कंडीशन हो दोनों क्या होगा वन बाई फोर होगा तो अगर हम इसकी प्रॉबिलिटी निकाल रहे तो ये कितना हो जाएगा दैट इज वन बाई सिक्सटीन वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर इट विल भी वन बाई सिक्सटीन प्रॉबिलिटी आपकी हो जाएगी दैट इज दी थर्ड ऑप्शन ओके Next is, that is the उनका -on होता है वो काम नहीं करता है सो लैक माइनस कल्चर ऑफ द इको लाइफ वॉज म्यूटाजेज ऑन वॉट मीडियम वुड वन स्प्रेड द्यूटाजनाइज सेल टू सेलेक्ट दैक प्लस सेल तो नॉर्मली जो है लाइक like, uh, जो Lack, my, sorry, minus जो था, Ecolica, उसको म्यूज कर दिया गया है और उसमें आप अगर उसको लेक्टोज दे देते हैं और अगर वो लैक प्लस है तो वो इजिली क्या होगा सर्वाइव कर जाएगा गे? बाकी जो स्टेटमेंट दे रखे उनका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं बनता है सो द आंसर विल बी फर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको पता है तो आप आंसर दे पाओगे सो इन इनोफिलास क्रोमोजोम सॉरी होमोलोगसोम एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग दी मियोसिस बट क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर एट व्हिच स्टेज ऑफ म्यूसिस ड्रीगेशन ऑफ दू एलियन टेक प्लेस इन दीज इंडिविजुअल्स तो आपको ये बताना है जो सेग्रीगेशन है वो किस लाइक like, कौन से स्टेज पे देखने को मिलता है सो ऑब्वियसली इट इज एट एन 1 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर रिजर्वर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ नॉर्मली अगर हम लाइक like, हम अपने कॉमन सेंस की भी बात करें तो जो कार्बन का रिजर्वर होता है वो मैक्सिमम कहां होता है लाइक ओशन बॉडी में हो सकता है या नॉर्मल आप बोल सकते हो वाटर बॉडीज में हो सकता है तो हमें यहाँ पे स्मार्टली एक ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिसमें सबसे पहले क्या आप मेंशन किया हो कोई वाटर बॉडीज मेंशन की हो की हुई हो या फिर कोई आप बोल सकते हो कि ओशन या लेक कुछ मेंशन किया हो तो मैं क्या करूंगी मैं फर्स्ट से ही देखते जाऊंगी कि सबसे पहले

ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन ने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड 80 रैट्स वे इनिशियली कैप्चर यानी S1 का साइज कितना दिया गया आपके पास 80 दिया गया है आफ्टर वन मंथ एक मंथ के बाद 100 रैट्स वेर कैप्चर इन द सेम फील्ड ऑफ विच 20 वेर प्रीवियसली मार्क्ड वन तो S2 यहां पे आपको कितना दिया गया है दैट इज आपका 100 दिया गया है मार्क कितने निकले हैं आपके 20 निकले हैं सो so, आपको लाइक यहां से पूछा क्या गया है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज ऑफ रैट इन फील्ड विल बी आपको बताना है टोटल पॉपुलेशन साइज फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है दैट इज एन इक्वल्स टू एस वन इंटू एस टू डिवाइडेड बाई मार्क तो आपको क्या करना है नॉर्मली इसका डिविजन लाइक कैलकुलेशन कर देना है जो कि हो जाएगा दिस और जो आंसर आ जाएगा वहां से वो होगा आपका फोर हंड्रेड ओके तो जो पॉपुलेशन साइज होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन दैट इज द फोर हंड्रेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से आया है क्वेश्चन है स्पीसीज ऑफ अ ग्रास ग्रोन अराउंड माइन एरिया पैचेस ऑफ हैवी मेटल कंटामिनेटेड सॉइल सो सम ऑफ द पॉपुलशन ऑफ स्पीसीज ग्रो सेलेक्टिवली ऑन दॉइल दैट वाज कंटामिनेटेड विदी मेटल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो दॉलरेंट एंड नॉन टॉलरेंट ग्रासीज पॉपुलशन वेर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट सेटेड बाई द जियोग्राफिकल बैरियर दिल इवाल डिफरेंट फ्लावरिंग टाइम एंडम बिकेम डिफरेंट स्पीसीज वट काइंड ऑफ स्पीसिएशन वुड यू कॉल दिस तो नॉर्मली क्या बोला गया है माइन एरिया में कुछ ग्रासेस देखी गई थी नॉर्मली जो जो ग्रास जो है माइन लाइक जिस एरिया में माइनिंग का प्रोसेस ज्यादा था वहां पे कुछ ग्रासेस का इवोल्यूशन हो गया यानी उन्होंने क्या किया खुद को एक बेस्ट वे में एडॉप्ट कर लिया और उसके जस्ट बगल में जो ग्रासेस थी उनका लाइक like एडेप्टेशन वैसा नहीं था टाइम के साथ साथ क्या हुआ उनके में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने एक प्रॉपर्टी लाइक शोवर और शो की कि कुछ ग्रासेस जो हैं वो लाइक जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा था वहां पर ग्रो कर पा रही थी और जहां पॉल्यूशन नहीं था वहां ग्रो लाइक वहां पे कोई और स्पीसीज ग्रो कर रही थी तो ये इजिली ये इंडिकेट करता है कि बिना आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुए इनमें क्या हो गया स्पीसीेशन हो गया बिकॉज इनका फ्लावरिंग टाइम अलग हो गया और यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है आपका पॉल्यूशन प्ले कर रहा है ओके तो